रहीम कादरी साहब, अभी होपफुली आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई होगी सबसे सवेरे उठने में। नहीं नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल है। पर अभी आप बात कर रहे थे कि आपने जिस तरह फरमाया कि सुबह सुबह जो है वो मूड अच्छा रखिए, खुश रहिए, और आपको उसके साथ बहरहाल सियासत की बात करनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा लोगों के लिए कि वो इस मुल्क की सियासत को सुने भी और उनका मूड भी अच्छा रखें। ज़ेम कादरी साहब, आपने बताना ना आज के भी मौजूदा सियासी सूरत हाल का सारा तज़िया करते हुए कि फिर फ्यूचर हमारा ब्राइट है, इंशाल्लाह ब्राइट है। देखिए, फ्यूचर तो डिपेंड करता है कि हकूमत जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी क्या एटीट्यूड्स क्या है, किस तरह वो रिएक्ट करती है चीज़ों को। अपोजिशन हर जगह होती है जी, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसका ये काम होता है कि वो इंगेज करे उनको, उनसे बातचीत करे, कुछ मिनिमम पॉसिबल एजेंडा तय करे और उसके तहत चीज़ों को लेके आगे आगे लेके चले, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे मेजर एस्पेक्ट है किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर रनिंग का। स्टेट ऑफ द अफेयर्स को और अफेयर ऑफ द स्टेट्स को रन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो जिम्मेदारी बहरहाल है हकूमत वक्त की, उन्होंने किस तरह उसको कायम रखना है और उसके एडवांटेजेस लेने हैं, ये उनके अकल और दानिश। साहब, आपको क्या लग रहा है, अपोजिशन को कहीं एंगेज नहीं किया जा रहा है इसी वजह से ये आइन तहफ्फुज मूवमेंट का ऐलान उन्होंने कर दिया है? कोई आइन को वाकई तहफ्फुज दिया जाएगा इस, या फिर ये जाति मफाद के लिए किया जाएगा? पिछली पीछे चला जाऊं तो ये 75 बरस में एक बार हो चुका, लेकिन वो रिजॉल्व जो कहे जाते हैं वो उनका उनके एडवांटेजेस ना तो डेमोक्रेसी को मिलते हैं ना लोगों को मिलते हैं, क्योंकि प्रोसेस इटसेल्फ इतना गहना चुका है। मैं तो इस निज़ाम की बात करूंगा कि ये प्रोसेस इतना गहना चुका है कि ये अपनी जो जो डिलीवरेंस है वो देने के काबिल ही नहीं रहा, और यही वो वजह है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको भी प्रॉपरली गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर सकती। ज़ेम साहब, जब आप प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस से क्या मतलब लिया जाए, लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैं मजाकन कहता हूँ कि ना तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मैंने कहीं हदीस में पढ़ाया, ना कहीं मैंने किसी और जगह पढ़ाया। ये एक ऐसा निज़ाम है जो ऑब्वियसली पिछले 30-40-50 बरस से इम्प्लीकेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, बट वो डिलीवर नहीं कर सका। वो इसलिए डिलीवर नहीं कर सका कि उसकी डिलीवरेंस जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो डिपेंडेंट है पॉलिटिकल पार्टीज पे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी पॉलिटिकली जो है वो अपने फ्रेमवर्क को गौर से नहीं देखती। सही। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि जमहूरियत, बात यह है कि इन लोगों ने जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने जमहूरियत को भी फ्लॉप कर दिया। हमारे यहाँ मैं क्यों कहता हूँ कि एक नया निज़ाम लाने की ज़रूरत है, एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि इस मुल्क के निज़ाम को एक नई चीज़ लाई जाए जो चल सके। तो भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को फेल कर दिया ना इट इज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। ज़ेम साहब, निज़ाम कोई भी आए लोग तो यही होंगे ना। अब देखें, बात ये हम लोग वी जंप ऑन टू कंक्लूजन्स कि जी लोग ये होंगे। अब जब हम बात की को सतही लेवल से शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। सही। इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पाकिस्तान में तो ना ये ऑफ द पीपल है ना ये बाय द पीपल है, फॉर द पीपल, क्योंकि 75 वर्ष में जितने इलेक्शन हुए उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने कहा कि ये एक शैम और फ्लॉप फुल इलेक्शन था, और ना ये फॉर द पीपल है क्योंकि पिछले 70 वर्ष में डिलीवर नहीं कर सकी हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर फिर कोई खराबी होगी ना। अब हम कैटेगोरिकली कह देते हैं उठ के कि जी एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। भाई, एस्टेब्लिशमेंट अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं एग्री नहीं करता इस बात से, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी बात मान भी ली जाए फॉर द टाइम बीइंग, तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जमहूरियत जब तक नहीं होगी तो आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को किस तरह पूरा कर सकेंगे, और उस जमहूरियत को जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, जब वो वहां नहीं होगी तो आप कौम तक उसको किस तरह लेके जा सकेंगे? कादरी साहब, ये मसला जो है ये आप क्या समझते हैं, आवाम में है या फिर जो हम जिस निज़ाम में है उस निज़ाम में मसला है? मेरे ख्याल में इस निज़ाम को इतना गहना दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमने अपने लोगों को अपने इस निज़ाम को इतना यूटिलाइज किया है, यूज़ गलत तरीके से इस्तेमाल किया है कि अब वो इस अपने आप के लिए पैरासाइट बन गया, वो अपने आप को खाई जा रहा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें तो ये बात बड़ी कैटेगोरिकल है कि जमहूरियत जब अपनी ख़राब शक्ल में आती है तो
ओलिगार्की बन जाती है, एक लफ्ज है ओलिगार्की। अब ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की हमारे मुल्क में अब ये ओलिगार्की बन चुकी है कि चंद ग्रुप्स, अरबपति करोड़पति अमीर लोगों के ग्रुप्स, वो इकट्ठे होकर अपने इस निज़ाम को काबू कर लेते हैं और उसके नीचे तक की तमाम जो महासिल हैं उनको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए, और फिर जितनी पॉलिसीज बनती हैं वो उनके कारोबार और उनके सिस्टम को चलाने के लिए बनती हैं। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 7-8-10 साल से मैं नोट कर रहा हूँ इस मुल्क में बन चुका है। तो इसलिए जमहूरियत तो डिलीवर कर ही नहीं सकती। साहब एक मसला तो ये होगा ना, एक मसला ये नहीं है कि जब भी कोई हुकूमत आती है अपोजिशन की जानिब से कुछ जमातों का इत्तेहाद बनता है और उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं, वो चलने ही नहीं देते हुकूमत को, तो मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? अब ये जो सामने ये भी एक बदकिस्मती की बात है, लेकिन हम पॉलिटिकली साउंड इसलिए नहीं है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम कन्वे ही नहीं कर पाए लोगों तक। डेमोक्रेसी की कुछ मोडालिटीज़ हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी एक भी मोडालिटी अगर मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब है देर इज़ नो डेमोक्रेसी। अब आप देखें ना, आपका लिटरेसी रेट क्या है, आप वोट ले किससे रहे, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो बरादरी सिस्टम है उसकी क्या इम्प्लिकेशन है आपकी सियासत में, आपके आपके मज़हब की क्या इम्प्लिकेशन है डेमोक्रेसी में। तो जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही पूरा नहीं होगा तो इट वुड्स कम टू इंजरीज, फिर वो डिलीवर ही नहीं कर सकते। अफराद को गिना ना जाए, अफराद को तोला जाए, आप ये कह रहे हैं? तोला भी ना जाए, गिना भी ना जाए, लेकिन दोनों काम इस तरह किए जाए कि अब देखे ना, आपका अपना जो स्ट्रक्चर है, अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आप एक लोग तो कहते हैं कि आप मतलब एक लोअर क्लास डिटेरियटिंग इकोनॉमी है ना, दे दे दे। तो अगर आपने उस विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी से निकलना है तो आपको पहले उस पर गौर करना होगा, फिर आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पूरे कर सकेंगे। यहाँ ये होता नहीं, हम हर चीज को दरमियान से पकड़ने की चीज कोशिश करते हैं जिसका हमें नुकसान हो जाता है। अच्छा ज़ाहिर साहब, अभी जो हम ये अपोजिशन तहरीक इत्तेहाद सामने आ रहा है, अब वो कामयाब होता हुआ देख रहे हैं आप हुकूमत के खिलाफ? इसका होना जो है वो डिपेंड करता है उनके अपने एटीट्यूड पे। अच्छा, कि किस तरह वो लेके अपने आप को चलते हैं। तहरीक चलाना कोई आसान काम नहीं है, मैंने बड़ी तहरीकें देखी भी है और उनको बड़ा एक्टिव पार्ट भी, एक्टिव रोल भी लिया है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो उसका तब आता है कि जब आप उसको कुछ रमूज हैं उसके, जिनको आपने अपने तरीके से लेके चलना है, और उसके बाद फिर आप वो कहते हैं ना जी फाइट टॉक टॉक, तो ये दोनों काम करने पड़ते हैं। तो वो उसके लिए आप देखें कितनी कैपेसिटी है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में नवाबजादा नसरुल्ला खान साहब के बाद अगर कोई शख्स पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है वो मौलाना फजल रहमान साहब। बिल्कुल, लेकिन ये अब क्या अबला आदमी है? पहले तो वो नून लीग के गुण गा रहे थे, वो नवाज शरीफ साहब के गुण गा रहे थे, अब अचानक से ही तहरीक निकाल लिया उन्होंने। देखे ना, अब यही चीजें तो फिर डिसग्रंटल करती हैं इन लोगों के एटीट्यूड्स को। एग्जैक्टली, लोग कहां जमहूरियत के लिए खड़े हो रहे हैं मुझे बताइए। 23 करोड़ की आबादी, लोगों को खड़े होने दिया जा रहा है? नहीं, ये नहीं, वो कोई नहीं रोक रहा लोगों को। ये फिर वही बात कि जी कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, भाई कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई अपना काम गलत कर रहा तो आप तो अपना पार्ट प्ले कीजिए यार। 23 करोड़ लोग, 12 करोड़ वोटर, 4 करोड़ वोट देने जाते हैं और 1.5 करोड़ वाला मुल्क पे हुक्मरान बन जाता है। आप मुझे बताइए कि ये तोला और गिना जिस तरह आप फरमा रहे थे, दोनों चीजें इम्प्लीकेट नहीं होती, ना तो तुल में आ रहा ना ये गिनने में आ रहा है, तो इम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही ना। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने इस मुल्क को सही तरीके से चलाना है तो आप अपने सिस्टम्स को, इस पार्लियामेंट्री निज़ाम को, इस जो बोसीदा हो चुका है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इस फॉर्म ऑफ इलेक्शन को, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, इस निज़ाम को जहाँ से लोग आते हैं, अच्छे लोग तो नहीं आ रहे ना। बिल्कुल ऐसे ही, करप्शन के एक 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 पहाड़ होता है, करप्शन का एक दरिया होता है जब एक हुकूमत जाती है तो, और लीडरशिप जो है वो चीख चीख के कह रही होती है कि हम तो सबसे नेक हैं। बिल्कुल, कहा जा रहा था ना पिछले 4 साल, 15,000 केसेस सामने आ गए, यही बात
फिर 16 महीने में हुई, और जो आज बैठे हुए इनके बारे में भी यही बात हो रही थी, जो लाखों लोग सड़कों पर आ गए वो यही कह रहे थे ना, तो क्या वजह है? अभी अब पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं या निज़ाम को तब्दील करने की बात करते हैं, तो वो भी फिर पार्लियामेंट से ही सिलसिला शुरू होगा ना, इन्हीं लोगों ने तो वो करना, क्योंकि यही तो अवाम के चोजन वंस हैं, यही तो वहाँ पर। अब ये देखे ना कि वो ये होता है कि हु ब्लिंक्स हिज आईज फर्स्ट, हाँ जी, ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा करना किसने है, करना किसने। तो इसके लिए तो यकीनन मुल्क के जो अशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट है और मुल्क के तमाम क्वार्टर्स जो हैं उनको इकट्ठे बैठना चाहिए, ऑल स्टेक होल्डर्स should get together and come with a plan for the people of Pakistan कि हम आपको इस निज़ाम के तहत जो डिलीवर कर सके, क्योंकि ये तो तय हो गया ना कि इस निज़ाम ने 75 बरस में मेरे भाई डिलीवर नहीं किया। डेलिबरेटली कोई पावर सरेंडर करता है सर? नहीं, ये भी बात जो है ये ज़रूरी है। हाँ, अब पावर सेंटर है कौन? तो जो पावर सेंटर है उसको ये सोचना है कि मैंने इसको इसी तरह ही चलाना है या इसको 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 ठीक करना। ज़ैम काज़ी साहब, वक्त बहुत कम है, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है कि ये जो निज़ाम है, निज़ाम की बात हम स्टार्ट से कर रहे हैं, इसमें ये हुकूमत 5 साल चलती हुई नज़र आ रही है। फवाद चौधरी कहते हैं 5 साल छोड़े, 5 महीने भी नज़र नहीं आ रही मुझे। ये फवाद चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि इस फाइनेंशियल इनकम्बेंसी को और इन हालात को कन्फ्रंट करने की एबिलिटी इसमें इस हुकूमत के पास है। और जो चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए अब आपको वाजे तौर पे ये बताना पड़ेगा कि इस चैलेंज को, अब देखिए ना, अभी 4 रुपए आज तेल की कीमत महंगी हो गई। तेल की कीमत अगर महंगी होती तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात वाजे है कि एनी एनर्जी प्राइस इंक्रीज वुड कन्वर्ट राइट अवे इन द एंटायर मार्केट, मतलब आपकी बच्चे की दुनिया की हर चीज में उसका असर पड़ेगा। तो आप ये देख लेंगे वो 13-14-15% जो है वो उसका असर पड़ेगा। मैं और अजीम तो डिसाइड कर रहे थे कि हम साइकिल ले लेते हैं, साइकिल पे आएंगे, क्योंकि वैसे तो हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। अवाम को ये इल्म नहीं है कि हम जो तेल की कीमत दे रहे हैं उसका जो टैक्स है वो हम देखे ना अदा कर सके, नहीं कर रहे हैं। उसमें से 48 रुपए तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट लेवीज है। अल्लाह, अगर आप वो निकाल दें तो आपकी कीमत बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। वो इसलिए डायरेक्ट टैक्सेशन में लाई जा रही है कि गवर्नमेंट खुद ये कॉम्पिटेंस नहीं रखती कि वो टैक्सेस इकट्ठा करे जहां से उनको कर रहे हैं, टैक्स बेस ब्रॉड करे। तो वो ये क्या करते हैं कि वो उस शख्स से भी, मतलब एक शख्स जो वैगन पर चढ़ रहा है जिसकी कुल आमदन 20-25 हजार रुपया है, वो भी उस टैक्स का हिस्सा है जो पेट्रोल पे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का वो नोशन कि टैक्स पेयर्स को बढ़ाना है और टैक्स बेस कम करनी है बिल्कुल गलत है। इस मुल्क का हर वो आदमी जो माचिस की डिबिया भी खरीद रहा है वो भी टैक्स पेयर बन जाता है। बिल्कुल। तो फिर आप भी किस तरह कह सकते हैं कि आप टैक्स बेस ब्रॉड करें और लोगों को टैक्स नेट में लेके आए? ज़ैन साहब, आप ऐसे अवामी नुमाइंदों को जानते हैं जिनको आप समझते हैं कि वो इतनी सख्त रखते हैं कि वो मुल्क के निज़ाम को बेहतर रख सकें? और मेरे ज़ैन साहब बहुत अच्छे लोग हैं। पहले वाले सवाल में मुझे ले लें कि 4 रुपए चंद पैसे उन्होंने बढ़ाए हैं, और कल ही हमने खबर दी थी बड़ी खुशखबरी कि 4 रुपए रोटी में कम किया था, तो वो इस तरह से मामला नहीं, वो तो देखिए ना, रोटी में कम करने से बात नहीं बनेगी। एग्जैक्टली, ये बड़ा लंबा एक पूरी BMR बैलेंसिंग मॉडिफिकेशन एंड रिफर्बिशिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम इकॉनमी, वो कौन करेगा? आप देखें ना, आप जो डिसीजंस लेते हैं अगर उन डिसीजंस पे लोग ही मुत्तफिक नहीं है तो वो डिसीजंस एप्लीकेबल होते नहीं है किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपको इस वक्त एक लार्ज स्केल जो है वो कंसेंसस की ज़रूरत है नेशनल इश्यूज पर। उसके लिए आपको कन्वे करना है सम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना है, अपने आप को आगे लेके आना है, चीज़ों को की निशानदेही करनी है और नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस करवाना है। नहीं तो ये निज़ाम मजीद तबाह हो जाएगा और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तरक्की की बात तो खैर अभी भूल जाए, यानी अवाम भूल जाए, अवाम के साथ जो ये अशर होगा वो तबाहकुन होगा। होश के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।